सेव द गेम. यार ये बीच बीच में क्यों आता है किसी को पता है तो बता देना. गुड जॉब ऑन स्टार्टिंग दैट फियरो. एज प्रोमिस्ड यू कैन राइड फॉर फ्री फ्रॉम नाउ. वैलेंसिया आइलैंड हम जा रहे हैं अब. ओफो यहाँ पे ये फुलिश टीम रॉकेट आ गई. देयर इज नो वे नो वेयर टू रन नो सो इट वुड बी बेस्ट वी जस्ट हैंड एम ओवर. एम इन लोग लिखते हैं देम के लिए. लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं ना तो फिर जो क्या बोलते हैं उससे कौन सा एक्सेंट होता है वो यार वो होता है हाँ अमेरिकन एक्सेंट में लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं ना तो वो देम को एम टाइप बोलते हैं. जैसे कि पोकेमोन के नाम में भी था गौरक कैच एम मॉल पोकेमोन ऐसे था क्योंकि मैं देख चुकी हूँ ना इसलिए मेरे को पता है. वो वीजिंग भेज रहे हैं यार इन लोग का वही है हर बार का पोकेमोन वही वही भेजते रहते हैं हर बार. हर एक बार तो इन्हें किसने बोला था याद नहीं लेकिन बोल दिया था गैरी ने बोला था कि यार तुम लोग बार बार हार के भूलते नहीं हो क्या मतलब कि परेशान नहीं होते हो क्या और हार नहीं मानते हो क्या. और हम यूज़ करेंगे डबल किक. ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था लेकिन अब हमें पता चल गया है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. इज हर्ट बाय पॉइजन. अब थंडर पंच यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इफेक्टिव था. टैकल हमारा राइचू तुम पूरे टीम रॉकेट के लिए मतलब भारी है. इलेक्ट्रोबॉल अब ये 53 लेवल का हो गया. ये काफ़ी तेज़ी से बढ़े जा रहा है और ये भी है कि हम इसी का ज़्यादा यूज़ करते हैं इसीलिए वो लिकिटंग यूज़ कर रहे हैं. अरे यार तुम लोग में से किसी को पता है क्या कि उन लोग के पास लिकिटंग है भी कि नहीं. उन लोग बार बार गेम में लिकिटंग कैसे यूज़ करते हैं. अब ये गया लिकिटंग तो गया. अब विक्ट्री बेल भी भेज रहे हैं और बहुत सारा पोकेमोन भेज रहे हैं आज तो. आज इन लोग का जीतने का मन है शायद लेकिन फिर भी हारेंगे. थंडर पंच यूज़ किया नॉट वेरी इफेक्टिव. चलो भाई हम लोग फिर भी हराने वाले इसको. टैकल यूज़ किया उसने नॉट वेरी इफेक्टिव. थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं किया सिर्फ अरे थोड़ा सा इफेक्ट किया नहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया लेकिन कुछ नहीं होता हम जीतने वाले हैं. हार गया वो हार गया भाई हार गया विक्ट्री बेल तो हार गया. अब राइचू फेंट हो गया. चलो उन दोनों को हमने हरा दिया. वो ब्लास्ट ऑफ हो गए और हमें बहुत सारा पैसा दिया. वेट हु इज़ ड्राइविंग दिस थिंग. यार मुझे क्या पता कौन ड्राइव कर रहा है. यू मैनेज टू सर्वाइव द क्रैश. यार यहाँ पे तो मेरे ख्याल से जोटो रीजन होगा और हम काफ़ी आगे आ गए हैं. यहाँ पे पूरा बहुत सारा पोकेमोन पकड़ने के लिए ही एरिया है. यहाँ पे पॉइजन वो है और बेरी जूस मिल गया हम लोग को. यहाँ पे क्या नए पोकेमोन से चलो देखते हैं. ये है वेट नीरोरन. बहुत छोटा पोकेमोन है इसको तो मैं नहीं पकड़ने वाली. बहुत आसान है इसको पकड़ना. यहाँ पे ना सारे पोकेमोन्स में मुझे जहाँ तक याद है सारे जो पोकेमोन्स हैं वो पिंक कलर के होते हैं और वो इसलिए है कि वो तो मुझे भी आती हूँ वो एक शायद खास तरीके का फल खाते हैं इसी के कारण वो सब लोग पिंक हो गया. यार मेरे को तो लेकिन ये पिंक नहीं दिखाई देते हैं. शायद हम अभी तक जोटो रीजन में नहीं पहुँचे हैं. हम आईविसॉर चलो अब पोके सेंटर अब हम आ गए हैं. चलो ओके यार तुम्हारे डायलॉग से थोड़ा सा पक गए हम. चलो बेबी चलो 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 ये किसका घर है सबसे पहले देख लेते हैं और फिर मैडम के पास जाएंगे. कौन मैडम यार वो वाली मैडम आई वी प्रोफेसर वी वर्क ऑन दे साइलेंट फॉर प्रोफेसर आई वी से लिखा था शायद मैं ध्यान से देखी नहीं
चलो अब हम चलेंगे ऊपर, ये रहा प्रोफेसर आईवी का लैब, और अब हम जा रहे हैं प्रोफेसर आईवी के पास। इसका पोकेमोन है यार, दैट इज़ जी एस बॉल, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, ऑब्टेन जी एस बॉल। इसका वाला जो मिस्ट्री है ना वो हमें अभी तक याद नहीं है। आई हर्ड यू वर ऑल इंटरेस्टेड इन द लीग्स, आर आईलैंड हैव द क्लोजेस्ट जिम वुड बी ऑन माइकन आईलैंड। ठीक है हमें, थैंक यू, वी हैव ट्राइड एवरी थिंग टू ट्रांसपोर्ट दिस वेल बट इट वॉन्ट बज। यार बज क्या होता है, किसी को पता है तो बता देना। आई एम ग्लैड यू केम टू गेट इट, इट्स बीन एग्जॉस्टिंग टेकिंग केयर ऑफ इट। अब हम चलो कांटो चलते हैं। अब हम पैलेट से शुरू करना, यार नहीं कैंसिल, ऑरेंज, शायद ऑरेंज वाला एक लौता वो है जिसमें ऐश जीता था, वरना ताकि वो पोकेमोन मास्टर ना बन पाए इसलिए उसको हर बार हरा देते हैं, क्योंकि वरना स्टोरी तो ख़त्म हो जाएगी ना यार, उसका ड्रीम अकॉम्प्लिश हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा करते हैं लोग। चलो अब थोड़ी देर बाद हम गेम को ओवर करेंगे, सबसे पहले ओक के पास जाते हैं, ये हमेशा यहीं पे खड़ा रहता है। आ सरीना हाउ इज इट गोइंग, अरे यार मैं जी एस बॉल लाई थी तुम्हारे लिए, क्या तुमने लाने बोला था, मुझे नहीं लगता। चलो अब हम चलते हैं कांटो रीजन से वापस जोटो रीजन, फिर वहाँ जाने के लिए अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यार इतने दूर से आए थे हम, वहीं पे था शायद वापस जोटो रीजन, आई मीन ऑरेंज रीजन जाने के लिए। ओफो कहाँ गए यार, ओके ऊपर था शायद। सरीना सेव द गेम, यार ये बीच में बार बार रह जाता है लेकिन कुछ नहीं होता। अब हम जाने वाले हैं ऑरेंज रीजन, कहीं से भी कैसे भी करके। इस लीडिंग पोकेमोन एक्सपर्ट, अरे यार कहाँ गया वो ट्रांसपोर्ट करने वाला, ट्रांसपोर्ट करना है हमको, अपने आप को ट्रांसपोर्ट करना है। यार हमारे पास अब पिकाचू नहीं है। सरीना बूटेड अप द पीसी, यार लॉग ऑफ, क्योंकि अब हमें जाना ही पड़ेगा। यार अब मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद मिलूँगी, क्योंकि अब ये सब आपको बोरिंग लगेगा देखने में, तो हम सीधा ऑरेंज जो लीग होती है उस समय अब देखेंगे। ठीक है ऑरेंज, आई मीन ऑरेंज लीग नहीं, ऑरेंज जो रीजन है वहाँ पे अब हम मिलेंगे। हाँ फिर जी, अब हम जा रहे हैं ब्लिम्प सर्विस वापस, लेकिन अब ये सब नहीं देखने वाले हैं। वेलकम टू द वेरी विक्टियन सिटी ब्लिम्प सर्विस, और अब हम आ गए हैं यहाँ। ये क्या है यार ये, हाँ चलो इस बार एक बेटर जगह पे इन लोग ने हमें छोड़ा है। अब यहाँ पे कोई जंगल झाड़ी वो सब नहीं है, सीधा सिर्फ ब्लिम्प सर्विस है। मैं यहाँ पे आ गई हूँ ताकि यहाँ का डाटा सेव हो जाए रहे, और जैसे ही हम जाते हैं हम सबसे पहले यहीं पे आ जाएं। इट्स कमिंग, चलो अब हम चलते हैं प्रोफेसर आईवी के साथ पास, साथ नहीं पास। ओके वहाँ पे एक पोके बॉल टाइप कुछ है, वो ज़रूर एक पोशन होगा। चलो जी यार जल्दी 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 जल्दी, यस ग्रेट बॉल मिला। यार ये तो बॉल्स का खजाना है यहाँ पे, ये और जगह नहीं है जाने के लिए, तो अब हम नीचे जा रहे हैं।
आई डोंट थिंक कि यहाँ पे भी कोई होगा, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे कोई नहीं है जगह जाने के लिए, शायद इसलिए हमें सेल्समैन के साथ ही जाना पड़ेगा। लैप्रस लॉन्च कहाँ जाना है? उन्होंने कहा था माइकन, तो चलो माइकन आइलैंड ही चलते हैं। सबसे पहले एक घर में चले जाते हैं। उफ, क्या होगा यहाँ पे इस घर में? कौन हो तुम? यू आर चैलेंजिंग द ऑरेंज क्रू, गुड लक। आई डाउट यू विल मेक इट, यू विल नॉट मेक इट शायद, ऐसा लिखा था। सबसे पहले अरे कहाँ जाना है हमें? सबसे पहले जाना है पोके सेंटर में, माइकन एलन पोके सेंटर। यार हर आइलैंड का थोड़ा सा अलग स्टाइल होना चाहिए था वैसे तो, मुझे अभी भी अच्छा लगता है ये गेम, लेकिन हर आइलैंड का थोड़ा सा अलग स्टाइल होना चाहिए था बोलने का नर्स जॉय का। अब हर नर्स जॉय सिर्फ एक ही डायलॉग बार 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 रिपीट करे जाती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। द आइलैंड इजंट एज बिजी एज टैंजेलो। टैंजेलो, हम टैंजेलो नहीं गए। हैव यू बीन टू टैंजेलो आइलैंड? नो, हम नहीं गए टैंजेलो आइलैंड। शायद माइकल आइलैंड को हमें ये कहा, या ये तो ऐश जैसे दिखता है डिट्टो। फिश्ड हियर फॉर इयर्स बट स्टिल हैवंट फाउंड द परफेक्ट सियाड्रा। सियाड्रा मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा याद नहीं है कि वो कैसे दिखता है। हम ऊपर आए हैं एक घर देखने, एक और घर। यार यहाँ पर बहुत सारे घर हैं। ये बच्चा क्या बोलता है? माई सिस्टर रन्स द जिम हियर, डोंट एक्सपेक्ट टू बी एबल टू बीट हर। अरे यार ये लड़ने की बात थोड़ी थी, तुम्हारी बहन से लड़ूंगी मैं, तुमसे नहीं। ड्रटीनी, यार अच्छे अच्छे पोकेमॉन है यहाँ पे तो। इलेक्ट्रोबॉल, बोलिंग बॉल। हर गया यार, हार गया। ड्रटीनी एकदम अच्छा दिखता है वैसे तो ये। अब वो भेज रहा है ड्यूगोंग, शायद ड्यूगोंग हम भेजे, लेकिन मैं भूल गई कौन सा पोकेमॉन था। चलो याद आ गया, ड्यूगोंग ये है। चलो ये हो गया डिफीटेड, डिफीटेड हो गया। अब अगला पोकेमॉन क्या है यार? यार वो अगला पोकेमॉन क्या है? पॉलीरेथ, ये हम देखे हैं पॉलीरेथ पहले से ही। इलेक्ट्रोबॉल यूज़ करेंगे और ये शायद भी एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा। सेंटर, सेंटर अच्छा नाम है। बाय बाय, आई विल नेवर मीट विथ, मतलब इतनी छोटी सी बात पे कौन लड़ाई करता है यार। जिम, जिम यहाँ पे है, जिम यहाँ पे ग्रैंडमा है। सबसे पहले हम ग्रैंडमा से मिलेंगे, उसके बाद जिम जाएंगे, और जिम अगले वीडियो में जाएंगे। दिस हैज़ ऑलवेज बीन क्वाइट द क्वाइट प्लेस, इफ इट वॉजंट फॉर द जिम आई डाउट एनीवन वुड स्टॉप बाय। ओके, तो ये बोल रही है कि ये बहुत खामोश सी जगह है, और यहाँ पे मुझे डाउट है कि शायद अगर जिम के लिए ना हो तो यहाँ पे कोई नहीं आता। हमारी जगह में भी इतने ज़्यादा कोई नहीं आता, तो मुझे पता है तुम्हें कैसा लगता होगा। हमने रिवाइव ले लिया है, विच ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता कि रिवाइव किस लिए होता है, मैं भूल जाती हूँ बार बार, लेकिन बैक से जब हम इसकी इन्फो चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है। इससे पूछते हैं क्या? इफ़ यू बैटल सीसी यू विल नीड दिस। T20 थंडर, पिका चुके लिए मतलब ये टीएम। चलो इससे भी बात कर ही लेते हैं। व्हाट आर यू हियर फॉर? गो टू द ट्री। व्हाई? वेयर इज द ट्री? यार कहाँ है ट्री? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस साइड पर, यहाँ पे तो हम आ चुके हैं। चलो ठीक है, आज के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी का आपको देखना है तो आप अगली बार आ जाना, अगले वीडियो में आ जाना। और बस इतना ही था आज की वीडियो में। बाय बाय, पहले वीडियो रिकॉर्ड बंद।